आपने मरियम और यूसुफ अब्बास के साथ मिलकर 410 मिलियन रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की। जाली 11 मिलियन के शेयर्स गैर मुल्की शख्स नसीर अब्दुल्ला को मुंतकिल किए। 1,55,20,000 डॉलर का कर्ज शुगर मिल्स में जाहिर किया। ये कर्ज कहां से लिया गया? नैब की तहकीकाती टीम के नवाज शरीफ से सवालात। बिजनेस मामलात हुसैन नवाज देखते हैं, उनसे पूछें। मेरे इल्म में नहीं, इस वक्त मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं। बिजनेस करना गैर कानूनी काम नहीं, कारोबारी मामलात चलते रहते हैं। नवाज शरीफ का जवाब। नैब टीम ने नवाज शरीफ से 13 सवालात पूछे, किसी का भी तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां। आजादी मार्च की हिकमत अमली पर मुश्तरका गौर व फिक्र। मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ की दावत पर कल लाहौर आएंगे। दोनों पार्टी के कायदीन वफूद की सतह पर इजलास करेंगे। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी इत्तफाक। रेंट के मौलाना, अब कल बात होगी। आने वाले दिनों में ऑपोजिशन के लिए बहुत कुछ है। डैम फंड साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बनाया था। डैम फंड का अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के पास है। इफाकी वजीर फैसल वादा की मीडिया से कॉन्फ्रेंस। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर कैसर नसीर भट्ट की जेर सदारत इजलास। इजलास में लाहौर के एडिशनल सेशन जजेस की शिरकत। केसेस को जल्द निपटाने और जुडिशल निजाम की मजीद बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया।